राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में कई घंटों तक सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जमकर तहसील प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पूरी तरीके से कार्यबंद कराते हुए सभी कमरों पर ताले लगा दिए। वहीं सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि नवीन तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए जो व्यवस्था करानी है वो कार्य योजना पहले से ही तय है, वो जल्द पूरी की जाएगी और तहसील परिसर की फाइलों को नवीन तहसील भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में की जाती है। हमारी मांग ये है कि वहाँ पर हमारे बैठने की संपूर्ण व्यवस्था की जाए जो प्रशासन ने हमको लिख के दिया था। बाउंड्री बना दी है, उसमें मिट्टी डाली जाए, बैठने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद तहसील को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाए। SDM महोदय अपनी तानाशाही में कल परसों वहाँ लेने जा रहे हैं। 43 डिग्री टेम्परेचर है, वकील के पास बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई छांव नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। तो हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे, और अगर ये ज़बरदस्ती वहाँ ले जाएंगे तो सोमवार से हम तहसील परिसर के अंदर कब्जा करके बैठने का काम करेंगे, चाहे उनके न्यायालय के बरामदे हों, चाहे कॉमन हॉल हो, जो भी इनकी बिल्डिंग की जगह है बिल्डिंग। बेसिकली माननीय शासन के निर्देश पर जो तहसील सरोजनी नगर है उसका नया प्रांगण बनके पूर्णतया तैयार हो गया है और हम उसको वहाँ पे शिफ्ट भी कर चुके हैं, मैं वहाँ पे बैठता भी हूँ। अभी कुछ रिकॉर्ड रूम या कोर्ट्स जो हमारी हैं वो पुरानी बिल्डिंग्स में चल रही हैं, तो वहाँ पे हमें शिफ्टिंग पूरी तरीके से करनी है। इसके लिए निर्देश ऑलरेडी हमें प्राप्त हो चुके हैं माननीय शासन से। इसी के संबंध में माननीय अधिवक्ताओं द्वारा ये विरोध किया जा रहा था कि जब तक वहाँ पे बड़े वृक्ष बड़े ना हो जाएं या जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी ना हो जाएं तब तक उनको शिफ्ट ना किया जाए, बट जनहित में आवश्यक है क्योंकि जनता लगातार वहाँ पे जा रही है और वहाँ पे भीड़ रहती है, तो आवश्यक है कि अधिकारीगण वहाँ बैठे हैं और जनता को सुलभ तरीके से सहयोग दे सकें। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में आज वकीलों ने एक हड़ताल कर दी, काम का बहिष्कार कर दिया, जो रूम थे तहसीलों में उन पर ताला डालकर बंद कर दिया। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो यहाँ पुरानी तहसील है या अब दो दिन में नई तहसील में शिफ्ट हो रही, जहाँ पर कोई भी बैठने की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको साफ तौर से बता दें जहाँ पर वृक्षारोपण भी नहीं है, ना टीन सेट है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, जहाँ पर क्योंकि ये टेम्परेचर इतने तेज है। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने आरोप भी लगाया है कि ये शिफ्टिंग के दौरान एक अहमामो प्रकरण है जिस पर जांच चल रही है, उसकी फाइलों गायब भी हो सकती हैं, वह भी आरोप लगाया है, क्योंकि अधिकारी जो पूरा पूर्व के अधिकारी हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। अभी जल्द में ही नगर निगम से उस प्रकरण की फाइल गायब हुई है, उसी तरह से तहसील से भी गायब होने की आशंका जताई है, जिस पर सरोजनी नगर SDM ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वह पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर और मुस्तैदी के साथ ली जाएंगी। GMD के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMDNewsFlash।